अजमेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अजमेर के उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनिता बधेल, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा और जिला प्रमुख वंदना नागोनिया सहित सैकड़ों कार्यकर्तागण उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान आजाद पार्क से जुलूस के रूप में भागीरथ चौधरी और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। इस नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उस पर पूरा खरा उतरेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।